तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में नोकिया की तरफ से आने वाली एक बहुत ही दमदार और धमाकेदार स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जिस फोन का नाम है नोकिया मेज प्रो 5G स्मार्टफोन। और ये जो नोकिया ने एक डिज़ाइन निकाला है, मतलब क्या समझ के निकाला है, बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार डिज़ाइन है इस फ़ोन का, जो कि आप देख ही सकते हो इस फ़ोन का डिज़ाइन कैसा है। हूबहू आईफोन 14 की तरह इस फ़ोन का डिज़ाइन मिलता है, बहुत ही सेम डिज़ाइन है, बट लोगो खाली चेंज है इस फ़ोन के डिज़ाइन में। एप्पल की जगह नोकिया का लोगो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस फ़ोन का लुक बिल्कुल आईफोन 14 की तरह है, तो आप आईफोन 14 बाय नहीं कर सकते हो, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये फ़ोन जो है बिल्कुल आईफोन की तरह देखने को मिलता है और काफ़ी प्रीमियम लेवल का एक 5G स्मार्टफोन है। प्लस इस फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले, एक 4K से भी ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा, एक मीडियाटेक डायमेंसिटी का गेमिंग प्रोसेसर और कई सारे इस फ़ोन में फीचर्स है। और हाँ, ये फ़ोन जो है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, तो बताऊंगा इस फ़ोन की सारी स्पेसिफिकेशन से लेकर फीचर्स, प्राइस, लॉन्च डेट तक। बाकी इस फ़ोन का जो फीचर्स है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, फ्लैगशिप लेवल का डिज़ाइन होने वाला है, काफ़ी प्रीमियम लेवल का फ़ोन है। 20,000 से कम के प्राइस में इतना कमाल का फीचर स्पेसिफिकेशन मिलना बहुत ही कम फ़ोन में मिलते हैं, बट इस फ़ोन में मिलने वाला है इस नोकिया की तरफ से। प्लस काफ़ी सारे, जैसा कि आपको बताया, फीचर्स मिलने वाले हैं। और इस फ़ोन का एक और खासियत होने वाला है, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि भाई ये नोकिया का फ़ोन है या फिर कोई आईफोन 14 है। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लेना। बाकी दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन का डिज़ाइन आप देख ही सकते हो, बिल्कुल आईफोन 14 की तरह इस फ़ोन का डिज़ाइन होने वाला है। बैक साइड में एप्पल का लोगो नहीं है, वो मिसिंग होने वाला है इस फ़ोन में। बाकी नोकिया का लोगो देखने को मिल जाएगा, वही बस चेंजेस होने वाले हैं बैक साइड के डिज़ाइन में। बाकी बैक साइड में मैट फिनिशिंग डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर 6.5 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जो कि एक पंचल कटआउट के साथ डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, तो आप बेहतरीन से भी ऊपर की वीडियोज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे, काफ़ी बेहतरीन होने वाला है फ़ोन का डिस्प्ले। और अगर बात करें डिस्प्ले के अंदर क्या फीचर्स है, सो यहाँ पर 120Hz का हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, कोरिलिंग गोरिल्ला ग्लास का सेंसर, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर और कई सारे फीचर्स और होंगे। बाकी यहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और 120Hz का रिफ्रेश रेट है, जो कि 20,000 के कम के प्राइस में मिलना, जो कि कुछ ही फ़ोन में मिलते हैं, मतलब कि ना के बराबर फ़ोन में मिलते हैं, एक एमोलेड डिस्प्ले मिलना और HDR से लेकर कई सारे फीचर्स बहुत ही कम फ़ोन में मिलते हैं, बट इस फ़ोन में मिलने वाला है नोकिया के इस फ़ोन में। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है डिस्प्ले के मामले में एक काफ़ी तगड़ा फ़ोन होने वाला है। बाकी बात करें इस फ़ोन के कैमरे को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर यह जो फ़ोन है 3 AAA कैमरे सेटअप के साथ ये फ़ोन आता है, जिसमें प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps पर कर पाओगे। तो दोस्तों इस फ़ोन में वीडियो और फोटोज हाई रिकॉर्डिंग कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों जिस फ़ोन में OIS का सपोर्ट होता है उसमें फ़ोटोज और वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो आप फ़ोन को जब हिलाओगे सो आपको तब भी दिक्कत नहीं आने वाला है, काफ़ी अच्छे से कैप्चर करेगा फ़ोटोज और वीडियो को। तो दोस्तों ये फ़ीचर मुझे बहुत ही पसंद आया, आपको कैसा लगा बता दो कमेंट बॉक्स में। बाकी यह फ़ीचर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जल्दी से कर लो। बाकी यहाँ पर एक और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो बैक कैमरा है वो 4K से भी ऊपर के वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा, जो कि 20,000 के कम के प्राइस में बहुत ही कम ही फ़ोन मिलेंगे। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है प्राइमरी, बहुत ही कम फ़ोन मिलते हैं, बट इस फ़ोन में एक अलग ही फीचर है, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन पर जा सकते हो। बाकी फ़ोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट की भी बात करेंगे, लेकिन फ़ोन के और कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों बात रह गया है फ़ोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट साइड में 20 मेगापिक्सल का पंचल कटआउट के साथ सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि यह भी 4K से भी ऊपर की 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज़ को खींचेगा। सो दोस्तों ये फ़ोन जो है अपकमिंग नोकिया मेज प्रो 5G स्मार्टफोन, ये डिस्प्ले कैमरे डिज़ाइन के मामले में एक दमदार से भी ऊपर के फीचर्स है। सो दोस्तों ये फ़ोन आप डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि हाई लेवल वाली डिज़ाइन डिस्प्ले कैमरा है
प्लस इस फ़ोन के कई सारे और भी फीचर्स है, तो उन सारे फीचर्स को भी बताता हूँ। सो दोस्तों, ये फ़ोन तो आप ले ही सकते हो डेफिनेटली। बाकी फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें, सो अपकमिंग इस नोकिया मेस प्रो 5G के अंदर यहाँ पर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आप हाई लेवल से भी ऊपर की गेमिंग कर पाओगे। हीट एंड लेग का इशू नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही हाई लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे। पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर खेल पाओगे। एंड यस, डेफिनेटली बिना लेग और प्रॉब्लम के आप खेल पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, 20,000 के कम के प्राइस में मैंने अब तक यह पहला स्मार्टफोन देखा है जो कि इतने अच्छे प्राइस और फीचर के साथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप बताओ ये फ़ोन कैसा लगा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा और डिज़ाइन के मामले में कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। बाकी दोस्तों, अब बात करें फ़ोन के बैटरी को लेकर, सो यहाँ पर 5000 mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलती है। एंड प्लस यहाँ पर 65W का एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर, जो कि दोस्तों इस फ़ोन को जल्दी से चार्ज करने के लिए रहेगा। एंड यहाँ पर इतना ही नहीं है, 65W का एडाप्टर भी देखने को मिल जाएगा फ़ोन के साथ ही में। सो दोस्तों, ये चीज़ एक काफ़ी कमाल की बात होने वाली है। बाकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, सो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो जैक, ड्यूल स्टोरेज स्पीकर्स और सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस फोन में, जो कि सारे फोन्स में होते हैं। बाकी दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं इस अपकमिंग नोकिया मेस प्रो 5G स्मार्टफोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट को लेकर। लेकिन उससे पहले आप लोग बताओ कि इस फोन का फीचर्स आपको कैसा लगा, कौन कौन से फीचर आपको पसंद आए हैं या फिर सारे फीचर्स आपको पसंद आए हैं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। और मैं रिप्लाई के भी जवाब देने वाला हूँ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी दोस्तों, बात करते हैं फ़ोन के प्राइस को लेकर। तो जो बेस वेरिएंट होगा, जिसमें 8GB और 128GB का वेरिएंट होगा, उस फोन की प्राइस 18,000 से 20,000 के बीच में रहने वाली है। और लॉन्च डेट की बात करें, सो दोस्तों, ये फ़ोन अभी कब लॉन्च हो सकता है, ब्रांड की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि कब ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको 18,000 से 20,000 में iPhone 14 वाला स्मार्टफोन चाहिए, सो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आपको चाहिए, सो हाँ, डेफिनेटली ये जा सकते हो आप इस स्मार्टफोन पर। बाकी इस फोन की प्राइस एंड लॉन्च डेट तो निकल कर नहीं आई है, सो जैसे ही इस फोन की कंफर्म प्राइस या फिर लॉन्च डेट निकल कर आती है, सो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मेरी मिल जाए देखने के लिए। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी दोस्तों, आपको क्या कहना है इस फोन के बारे में कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना। बाकी दोस्तों, यही थी आज की ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्मार्टफोन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।